अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो आप सबको वेलकम है अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारी इससे पहले वाली वीडियो से रिलेटेड है कि हम किस तरह अपना यूट्यूब, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि हम अपना यूट्यूब चैनल किस तरह हम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्ट्स और कौन कौन से पॉइंट्स को देखकर हम अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो आज जो नेक्स्ट वीडियो है कि हम अगर हमारा यूट्यूब चैनल बन भी जाए, हमें कंटेंट भी मिल जाए कि हमारे पास ये कंटेंट है पहले से मौजूद हो कि हाँ इस कंटेंट पर, इस टॉपिक पर हम अपना चैनल बनाना चाहते हैं, तो अब नेक्स्ट ये बात है कि अब ये किस तरह सर्वाइव करेगा। अब देखें हमारे पास कंपटीशन तो यूट्यूब में चैनल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन मौजूद है, तो ये किस तरह सर्वाइव करेगा हमारा यूट्यूब चैनल, किस तरह मोनेटाइज होगा, किस तरह प्रमोट होगा, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को नोट करने हैं। चलते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने एक पॉइंट्स लिस्ट बना ली है कि हम किस तरह अपना यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज करते हैं, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉइंट इसको कह सकते हैं। यूट्यूब टाइटल, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है वीडियो टाइटल नेम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना वीडियो का टाइटल नेम बताना है कि हमारे पास बनाना है कि हमारे पास वीडियो का टाइटल नेम कौन सा है। तो देखें मैंने पिछली वीडियो में भी जिस तरह बताया था कि हमारे पास जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं हमने अपना टाइटल नेम उसी वीडियो के कंटेंट के मुताबिक ही रखना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इस पर मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास थंबनेल। अब थंबनेल क्या होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो दिखाता हूँ कि इस पर हमारे पास एक थंबनेल, ये देखें आपको एक थंबनेल बना हुआ नज़र आ रहा है, एक वो हमारे पास पिक्चर जो कि सबसे पहले पहले हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पर शो होती है, तो वो हम उसको थंबनेल कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम अपना थंबनेल बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूं कि किस तरह हमारे पास थंबनेल बनता है। सबसे पहला जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो हमारे पास होता है कैनवा। तो कैनवा सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, इस पे किस तरह हम थंबनेल बनाते हैं या लोगो बनाते हैं, तो ये तमाम के तमाम जो ट्रिक्स हैं ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा कि हम कैनवा एप्लीकेशन किस तरह डाउनलोड करते हैं, किस तरह हम उस पर अकाउंट बनाते हैं और किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास एडोब एलिस्ट्रेटर, ये हमारे पास एक एडिटिंग टूल है जिसके थ्रू हम अपने लोगो वगैरह और हम डिफरेंट किस्म के पैनोफ्लेक्स वगैरह और ये तमाम जो हम हैं डिज़ाइन इस पर कर सकते हैं। और हमारे पास है फोटोशॉप, तो इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं लेकिन बेसिक जो हैं वो हम इन तीन से ही ज़्यादातर लोगोज़ और ये चीज़ें बनाते हैं और ये इजी टूल्स हैं कि हमारे पास इजीली ऑपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड में आ जाता है टैग्स। तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि टैग्स होते क्या हैं, टैग्स असल में हमारे पास वो सर्च, हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने वीडियो को सर्च सर्च में ला सकते हैं, कि हम अपनी वीडियो के साथ वो टैग्स ऐड कर देते हैं कि अगर हमारा यूज़र इन टैग्स को यूज़ करता है तो वो हमारे पास किस में हमारे सर वीडियो को आसानी से सर्च कर सके और हमारी वीडियो पहले पेज पर ही उसको शो हो। तो हमारे पास उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो है हमारे पास टैग्स जनरेटर, किस तरह टैग्स ऐड होते हैं तो वो आप लोग इसको भी देख लें कि ये किस तरह हमारे पास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास है अपलोडिंग टाइम। अपलोडिंग टाइम पर तो मैंने पहले भी एक मुकम्मल तफसील से आपको बताया था कि हमारे पास अपलोडिंग टाइम क्या चीज़ होता है। अगर आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाकर उसको व्यू भी कर लें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अपलोडिंग टाइम हमारे पास क्या चीज़ होता है, जिस तरह हमारे पास एक वीडियो है तो हम उसको अपना एक शेड्यूल बना लें और उसको हमारा इस शेड्यूल से सर्च इंजन को ये पता चल जाएगा कि इस टाइम पर ये वीडियो अपलोड होती है और हमने उसको इस तरह रैंक करना है। अगर हम उसको कोई एक वक्त नहीं मुकर्रर रखेंगे और जिस टाइम हमारा दिल चाहेगा हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास कभी भी चैनल ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट जो मेन सब पॉइंट्स में से मेन पॉइंट है वो हमारे पास लास्ट में आता है कि नॉट यूज़ कॉपीराइट कंटेंट। हम अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह नहीं है कि किसी और चैनल की वीडियो लेकर हम अपने यूट्यूब चैनल पर
व्यू कराएं या हम उसको अपलोड करें, तो ये कभी भी नहीं होगा। हाँ चल जाएगा, 2 या 3 वीडियो तक तो आपका चैनल कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह अगर आप लोगों ने वीडियोस को, जिस तरह आपका चैनल ग्रो होना शुरू होगा, तो आपको स्ट्राइक आ जाएगी चैनल के, चैनल की तरफ से, और एक ऑफिशियली तौर पर आपको वार्निंग लेटर जारी होगा कि आप ये कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपको वार्निंग लेटर शो हो जाए या आप लोगों, आपके चैनल को मिल जाए, तो आपका चैनल तब भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हमारा चैनल किस तरह ग्रो होता है, किस तरह हमारे चैनल की एसईओ होती है। इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने चैनल की एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, काइंडली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इट्स माई प्लेयर एंड आई वुड लाइक टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन फॉर यू। ओके, थैंक्स।